के गुरु चैनल से बात करना। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है फिर से उपचुनाव होने वाला है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर से एक बार जो है साथ दिखेंगे। मैं बता दूं, विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में होने वाला है। लगभग 10 सीटों पर जो है वहां पर उपचुनाव जो है होने जा रहा है, क्योंकि लगभग जो है 10 सीट के जो विधायक थे वो उन्होंने जो है लोकसभा में जीत हासिल करके अब जो है संसद बन चुके हैं। अब उस सीटों पे जो है वहाँ पे विधानसभा चुनाव जो है सरकार जो है कराने जा रही है। चुनाव आयोग जो है वहाँ पे जो है वोट कराने जा रहा है दोस्तों। इसको लेकर दोस्तों 10 सीट पे जो है विधानसभा सीट पे जो है चुनाव होने वाला है। अब इस बार भी देखा जाए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है काफ़ी जोरों शोरों से दोस्तों इस 10 सीट पर मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे ये सीट जो है उनके खाते में आए दोस्तों। मैं बता दूं, लोकसभा के बाद से दोस्तों जो है ये पहला ऐसा चुनाव होगा, काफ़ी टक्कर का चुनाव होगा। जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं, 2027 में जो है चुनाव होने वाला है विधानसभा का उत्तर प्रदेश का। इसको लेकर दोस्तों जो है योगी आदित्यनाथ में और जो है इंडिया गठबंधन के जो नेता है दोस्तों अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी, काफ़ी यहाँ पर टक्कर होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इस बार जो है मैं बता दूँ, बीजेपी को कम सीट आने से दोस्तों जो है योगी आदित्यनाथ का जो नाम थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है काफ़ी उनका नाम थोड़ा कम हुआ है, मगर इस सीट पर भी दोस्तों काफ़ी जो है मेहनत योगी आदित्यनाथ के तरफ से भी रहेगा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफ़ी यहां पे मेहनत रहेगा। अगर ये सीट उनके हाथ से जाती है तो फिर जो और जो इमेज जो है डाउन होने का चांस रहेगा पार्टी में, मगर इसको लेकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ जो है काफ़ी वहाँ पर भी मेहनत करेंगे। और जो है इंडिया गठबंधन के तरफ से जो है अखिलेश यादव हो या फिर पप्पू यादव, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी, दोनों जो है भी मेहनत करेंगे। अब देखना इस विधानसभा चुनाव में दोस्तों जो है किसके पक्ष में रिजल्ट आएगा और ये 10 सीट जो है किसके खाते में जाने वाला है। ये काफ़ी जो चर्चा का केंद्र बना हुआ उत्तर प्रदेश, क्योंकि दो बड़े पार्टी की लड़ाई है, दोनों बड़े पार्टी की साख की लड़ाई है दोस्तों। तो देखना यह है कि आखिर वहाँ से कौन जीत हासिल करता है। जरूर कमेंट कर बताएगा आपके हिसाब से कौन वहाँ जीत हासिल करेगा और क्या कुछ होने वाला है, जरूर कमेंट कर बताएगा। वीडियो चलो लाइक सब्सक्राइब।